मेहदी जो है ना यार, ये साफ ही करते रहेंगे कि हमें भी कोई टाइम देंगे? हेलो भाई जी, ट्रीटमेंट ही करते रहेंगे कि कोई बीसीएस के ऊपर भी बात करेंगे? आज हमारी यहाँ मीटिंग है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने बीसीएस की हमने प्राइसेस डिसाइड करनी है, इंशाल्लाह कैटलॉग को उसकी प्राइस पॉलिसी देखनी है और सरप्राइज करना है इंशाल्लाह। उसकी डिस्कशन के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक ऐसा आइडिया जो आज से तकरीबन 1000 दिन पहले स्टार्ट किया गया, जिसकी वजह से हमें बिजनेस में इनॉर्मस ग्रोथ मिली, जिसका नाम है बिलो कॉस्ट सेल। जिसका नाम है बिलो कॉस्ट सेल। क्या क्या कह रहे मेहदी? जिसका नाम है बिलो कॉस्ट सेल। क्या कहा मेहदी आपने? बिलो कॉस्ट सेल। तकरीबन 3 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 1000 दिन पहले, हम दोनों बैठे हुए थे आपस में और हम कुछ करना चाह रहे थे, कुछ अपने बेनिफिट के लिए, कुछ आपके बेनिफिट के लिए। हमारा बेनिफिट ऐसे कि कुछ स्टॉक्स थे हमारे पास जो पुराने हो जाते थे, मार्केटिंग के ऊपर हम 1 रुपया नहीं खर्च करते क्योंकि हमारा वर्ड ऑफ माउथ में बिजनेस चलता है। आप लेके गए, आपके कजन्स लेके गए, आपके फ्रेंड्स लेके गए, उनको अच्छी प्रोडक्ट लगी, उन्होंने आगे से अपने 10 कजन्स को बताया, 20 दोस्तों को बताया, एंड दैट्स हाउ आवर चेन मूव्स ऑन। जरूरी नहीं कि जो भी प्रोडक्ट बिलो कॉस्ट सेल कैटलॉग के अंदर मौजूद है वो एक्सपायर्ड हो, वो पुरानी हो, वो हमारी ना निकल रही हो, वो एक स्ट्रेटजी के तहत भी उसके अंदर शामिल हो सकती है। लेट मी टेल यू द लिटरल मीनिंग ऑफ बिलो कॉस्ट सेल। बिलो कॉस्ट, जैसा कि नाम से वाजे है कि वो कॉस्ट, वो प्राइस जो हमारी खुद की कॉस्ट से कम हो। आई मीन लिटरली, जो प्रोडक्ट्स हमें अब इस वक्त कॉस्ट भी नहीं कर सकती, हम उन प्रोडक्ट्स को एक ऐसी प्राइस पर सेल करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ अस एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ योर्स। जो प्राइस आपको उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान में, नो वन कैन प्रोवाइड। बीसीएस कैटलॉग में बाय करने की सिर्फ एक ही अकलौती शर्त है और वो है यू हैव टू बाय एटलीस्ट 6 प्रोडक्ट्स। 6 प्रोडक्ट से कम आप बाय नहीं करेंगे और ना ही हम ऑर्डर प्रोसीड करेंगे। इसमें दोनों पार्टीज का बेनिफिट है, आपका भी और हमारा भी। प्राइसेस का हमारा प्रॉमिस है कि आपको वो प्राइसेस देंगे इंशाल्लाह जो आपको पूरी मार्केट में कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। वेयर एज आवर प्रॉमिस विल बी कि हम प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को बहुत फेयरली लिखेंगे, टाइप करेंगे, और उसके फ्लॉज और उसके जो डिफेक्ट्स हैं और उसके जो कॉस्मेटिक इम्परफेक्शंस हैं उनको हमारे नॉलेज के मुताबिक और एक्सपीरियंस के मुताबिक उसको डिटेल के साथ फेयरली उसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे।